उदाहरण 12, मोहन ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 31,250 रुपये उधार लिया। कितने समय बाद उसे बैंक को 39,366 रुपये लौटाने होंगे? उदाहरण 12, हल। यहाँ प्रश्न में हमें मूलधन के रूप में दिया गई है राशि, वह है मूलधन बराबर 31,250 रुपये। इसके बाद यदि हम दर देखें तो दर का मान है 8%। समय, समय हमें ज्ञात करना है। कितने समय में पूछा गया है कि राशि 31,250 जो है वह 8% की दर से 39,366 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन हुआ 39,366 रुपये। तो समय निकालने के लिए भी हम मिश्र धन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, और हम जानते हैं है कि मिश्र धन ए बराबर पी मूलधन, एक धन आर बटे 100 और पूरे की घात एन, जहां आर दर है और एन समय है। तो अब इसके मान रख लें, मूलधन यानी कि पी जो है वो है 31,250, तो ए बराबर पी का मान हो गया 31,250 रुपये। एक धन आर, आर यानी कि दर, दर आर जो है वो है 8%, तो ये हो गया 8/100। और एन यानी कि समय जो है वो हमें ज्ञात करना है, इसलिए यह एन से ही निरूपित होगा। अब हम इसे हल करने के लिए ए का मान भी यहाँ रख लें। मिश्र धन हमारे पास कितना है, 39,366 बराबर 31,250, एक धन 8/100 पूरे की घात एन। चलिए इसे आगे हल करते हैं। दी गए सभी राशियों का जो मान रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह 39,366 बराबर 31,250, एक धन 8/100 और पूरे की घात एन। एन का मान हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हम इसे आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 39,366 बटे पक्षांतर से 31,250, और यहाँ मान होगा एक धन 8/100 को भी हम थोड़ा सरल कर सकते हैं, इसे 4 के पहाड़े से हल करें तो हमें मिलेगा 2/25 और पूरे की घात एन। इसे और सरल रूप में लिख लें, 39,366 / 31,250 बराबर एक धन 2/25 को सरल करने पर हमें मिलेगा 27/25 पूरे की घात एन। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यह 2 के पहाड़े से हल हो सकता है, तो जब हम इसे 2 के पहाड़े से हम इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 19,683 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 15,625, यानी कि अगला पद होगा 19,683/15,625 बराबर 27/25 पूरे की घात एन। यहाँ हमें एन का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों के आधार को समान करना होगा ताकि हम घातों की तुलना कर एन का मान ज्ञात कर सकें। तो इसके लिए यहाँ देखिए 27/25 यहाँ पर है, अंश 27 है, तो हमारे पास बाएं पक्ष भी जो होना चाहिए वो 27 के गुणज के रूप में होना चाहिए। जब हम 27 के गुणज के रूप में इसे ढूंढेंगे तो हम पाएंगे कि यह 27 × 27 × 27 का गुणनफल है। इसी प्रकार हर में भी यह 25 के 3 बार गुणा करने से 15,625 हमें प्राप्त होता है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं 25 × 25 × 25। यह हुआ हमारा बायां पक्ष, और दाएं पक्ष में हमारे पास है 27/25 पूरे की घात एन। चलिए आगे हल करते हैं। हमने देखा कि 19,683 जो है वो 27 का 3 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार 15,625 भी है, वह भी 25 का
तीन बार गुणा करने से प्राप्त होता है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है 27/25 पूरे की घात 3, और हमारे पास जो दायां पक्ष है वह होगा 27/25 पूरे की घात n। अब हम देख सकते हैं कि दोनों पक्षों का जो आधार है वो समान है, इसलिए इनके घातों की तुलना अब की जा सकती है। हम कहेंगे कि दोनों पक्षों में आधार बराबर होने पर घात समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं n बराबर 3 वर्ष, और हमें समय ही ज्ञात करना था, तो इस प्रकार हमें n का जो मान है वो 3 वर्ष प्राप्त हुआ और यह प्रश्न हल हुआ।